अब यार वीडियो में मैंने गिवअवे के बारे में अनाउंस किया है, बट मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया। तो इस वीडियो में एक गिवअवे भी होने वाला है रॉयल पास का, तो वीडियो में पूरा बने रहना क्योंकि स्टार्ट में बताना भूल गया हूँ, बीच में कहीं बताया है, तो गिवअवे में जरूर पार्टिसिपेट करना, ठीक है। तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो फाइनली नया रॉयल पास आ चुका है M22 और इसका नाम है मूनलाइट रियल्म। और बैटल पास काफ़ी एवरेज सा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसे वर्थ इट बनाती है किसी भी क्रेट ओपनिंग के। तो मुझे लगता है कि ये बैटल पास में इन चीज़ों को तुमको मिस नहीं करना चाहिए। हम बैटल पास आपको खरीद के दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रिव्यू करते हैं कि इस बैटल पास में मिलता क्या है। सच बताऊं तो जो आपको स्टार्टिंग क्लॉथ मिल रहा है वो डिसेंट है। मैंने HDR पे रखा हुआ है इसलिए थोड़ा ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा ये कपड़ा, लेकिन डिसेंट सा कपड़ा है टू बी ऑनेस्ट। पैन भी एवरेज है, मतलब मैं यूज़ कर सकता हूँ ये पैन, और अगर मैं पैन यूज़ कर रहा हूँ तो पैन अच्छा है इसका, मतलब एवरेज नहीं। बैकपैक बहुत ही बिलो एवरेज है, इस तरह के बैकपैक आपको भरे में मिल जाएंगे भाई, बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर बात करें फ्री रॉयल पास की तो एक इमोट मिल रहा है जो कि सच बताऊं बिलो एवरेज है, इससे बेटर हो सकता था। एक डांस इमोट है लेकिन एनर्जी बिल्कुल नहीं है। अगर ग्रेनेड की बात करें तो फाइनली हमको एक ग्रेनेड की स्किन मिल रही है जिसमें आपको किल मैसेज मिल रहा है, एलिमिनेशन मैसेज मिल रहा है, तो इस वजह से मुझे लगता है ये ग्रेनेड की स्किन वर्थ इट है। उसके बाद पैराशूट की बात करें, बहुत ही बेकार पैराशूट है। थोड़ा आगे आए तो फ्री RP में एक कपड़ा मिल रहा है जो कि मेरे को दिखने में अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड सिंपल है, जिसको आप आराम से क्लासिक मैचेस में यूज़ कर सकते हो, तो फ्री RP को देखते हुए अच्छा कपड़ा है। थोड़ा और आगे आए तो हमको यहाँ पर एक बगी की स्किन मिलती है, बहुत ही ज़्यादा तड़कती भड़कती नहीं है, बट बहुत ही नीट एंड क्लीन, प्लस गोल्डन वाइट कॉम्बिनेशन तो आपको बताइए कितना प्यारा लगता है। ये वाइट है, सिल्वर है, जो भी है, बट बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे, और खासकर जो ब्लैक टावर्स हैं बहुत अच्छे से जा रहे हैं। उसके साथ एक इमोट है जो कि बहुत टट्टी है भाई, बहुत टट्टी, इतना गंदा इमोट क्यों दिया गया है मुझे पता नहीं है। फिर थोड़ा सा अगर और आगे आए तो एक G36 का एक बहुत ही सिंपल सा स्किन है, फ्री RP में, तो इस वजह से अच्छा है। प्लस ग्रीन, रेड, वाइट, येलो, फंकी टाइप का स्किन है, तो अच्छा स्किन है। फिर थोड़ा और आगे आए तो एक ग्रोजा का बहुत ही तगड़ा स्किन आपको देखने को मिल रहा है। ये स्किन ऐसा है कि अगर आप इसे हाई क्वालिटी में खेलो लाइक HDR वगैरह में तो बहुत ही प्यारा दिखेगा, बट फिर भी काफ़ी अच्छा ग्रोजा का स्किन है, मेरे कलेक्शन में अच्छा लगेगा, खास करके उधर कोई ग्रोजा का अच्छा स्किन भी नहीं है ना, क्योंकि अपग्रेडेबल स्किन मैं लेता नहीं। अब थोड़ा सा अगर हम और आगे आए तो अब तक आपको थोड़ा सा स्पॉइलर मिल गया होगा। अब जरा ये कपड़े को देखो जो मैंने पहना हुआ है बिना हेड गियर के, ठीक है, क्योंकि 100 RP पे आपको ये ड्रेस मिलता है हेड गियर के साथ। हेड गियर के साथ ये ड्रेस मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, हेड गियर इसका अच्छा नहीं लग रहा है, फेरो की चीप कॉपी लग रहा है, लेकिन हेड गियर को छोड़ के जो आपका पूरा ड्रेस है ना, क्या लहरा रहा है, क्या बलखा रहा है, आय हाय हाय, दिल मेरा जा रहा है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा ये सेट है। तो 100 RP में क्यों बोल रहा हूँ, 50 RP में मिल रहा है, सॉरी। मैंने यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा हेलमेट हटाने की कोशिश करी, बट पता नहीं क्यों हेलमेट जैसे चिपका दिया गया है, हट ही नहीं रहा किसी सूरत से। तो हेलमेट के बिना अगर मेरे को इस कपड़े को रेट करना हो RP देखते हुए तो मैं 10 out of 10 दूंगा, हेड गियर के साथ 7 या 6। वेल RP से ज़्यादा अच्छा माल तो भाई साहब RP चॉइस क्रेट में आया है। अब जरूर देखो इसमें भाई, सबसे पहले हमको प्रीवियस सीजन के बहुत ही अच्छे कॉस्ट्यूम्स दिए गए हैं, बहुत तगड़े कॉस्ट्यूम्स हैं। अगर आपने इन कॉस्ट्यूम्स को मिस करा है तो आपको इनको निकालना चाहिए। दोनों के दोनों कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे हैं, मतलब यूनिक कॉस्ट्यूम्स हैं, इस वजह से मेरे को ये पसंद है। लेकिन जरा आप ये बाइक स्किन देखो भाई, आप इसको मिस नहीं कर सकते अगर आपके पास अच्छी बाइक की स्किन नहीं है। बहुत यूनिक लग रही है भाई, खास करके यहाँ पर। गेम के अंदर कैसी लगेगी बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क पड़ता है, बट यहाँ पर तो बाइक स्किन बहुत अच्छी लग रही है। अगर आपको फ्लफी टॉयज पसंद है, आपको थोड़े से मोटे कॉस्ट्यूम्स पसंद है जिसमें जिगल वगैरह ज़्यादा ना दिखे, या फिर आपको थोड़ा सा फनी कॉस्ट्यूम पसंद है, तो ये कॉस्ट्यूम आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पुराना कॉस्ट्यूम है लेकिन फिर भी जिन लोगों ने मिस आउट किया है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस कॉस्ट्यूम को ग्रैब करने के लिए। हेलमेट की स्किन अगर आप देखो भाई, प्यारा है भाई, हेलमेट स्किन बहुत अच्छा है भाई, मतलब इस तरह का जब क्रिएटिविटी दिखती है ना तो अच्छा लगता है देखने में, मतलब एक बीटल थीम दी है उसके बाद भी कितना अच्छा लग रहा है। बोट की बात करूँ तो बोट मेरे को कुछ नहीं बोलना, लेकिन जरा ये थॉमसन का स्किन देखो भाई, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। मैंने हमेशा आपको बोला है कि जो 3D स्किन्स होती हैं ना, मेरे को वो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, कुल मिला के जिनमें थोड़ा सा उभार हो भाई, बहुत प्यारी स्किन है ये। खास करके बैग देखो तो बैग मेरे को एवरेज स्किन लग रहा है, लेकिन थॉमसन क्या प्यारी लग रही है हाथ में भाई, बहुत अच्छी है थॉमसन। लेकिन जरा तुम ये देखो भाई, इस चेस्ट का गोल्डन मार भाई, जरा तुम ये AKM देखो यार, जोनाथन जो कपड़ा पहनता है भाई उसके साथ ये AKM क्या जाएगी भाई,
प्यारी एक है भाई, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है भाई। इसमें थोड़े से इफेक्ट डाल दें आराम से, ये कोई भी अपग्रेडेबल एकेएम की स्किन बन सकती है। इस एकेएम की स्किन को मैं तो जरूर हासिल करने की कोशिश करूंगा भाई, चाहे जो हो जाए। हाँ, किस्मत ने बीटी दे दी तो बात अलग है। उसके बाद ये डासिया की काफी अच्छी स्किन है, ओल्ड स्किन है मेरे पास ऑलरेडी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मास्क भी काफी अच्छा लगता है मेरे को और साथ में एक डिसेंट सा कॉस्ट्यूम है। इसके अलावा तो मेरे को और कुछ क्रेट में ऐसा नहीं दिखा है जिसके बारे में मेरे को खुल के आपको बताना चाहिए। बाकी सारा माल बहुत ही ज्यादा डिसेंट और एवरेज है, लेकिन जितना भी माल आपको मैंने इस क्रेट में बताया ना, बहुत अच्छा है। शायद मैं इस बार एडवेंचर में अपनी आरपी खर्चा करने की जगह इस क्रेट को खोल लूंगा, मेरे को इस क्रेट में ज्यादा अच्छी वैल्यू दिख रही है। आप भी मेरे को कमेंट सेक्शन बताना कि आरपी से बेटर आपको ये डब्बा नहीं लग रहा है भाई, काफी अच्छे हैं इसमें। हाँ, जिनके पास ऑलरेडी वाली आरपी है जिसमें ये रिवॉर्ड्स मिले थे तो उनके लिए ये डब्बा यूजलेस है। पहले उसके बाद यहाँ पर और देखो तो आपको एक हेलीकॉप्टर का स्किन मिल जाता है विंगमैन का। आप इस हेलीकॉप्टर को उड़ा तो नहीं सकते बट हाँ, प्लेन में आपका नाम आएगा तो आपके ऊपर आपको खरीदना है कि नहीं। मैं शायद ही खरीदूँ बिकॉज मेरा मैं वैसे भी हाइड रखता हूँ अपना नाम प्लेन। उसके बाद अगर आप रॉयल एडवेंचर पे आओगे तो आपको यहाँ पर एक काफ़ी डिसेंट सी कॉस्ट्यूम मिल रही है। कुछ लोगों को ये कॉस्ट्यूम अच्छी लग सकती है बट मेरे को उतनी खास लग नहीं रही है, कुछ ज़्यादा ही केओटिक स्किन है। और जो हेड गियर है मेरे को अच्छा लग सकता था बट इसके बाल बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे, पूरे प्लास्टिक ही बाल है तो इस वजह से मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। बट जरा आप एसकेएस का स्किन देखो भाई, एसकेएस का स्किन बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 300 क्रेट में आ रहा है। इसमें बहुत सारा जो है मेरा मतलब आरबी पॉइंट्स जो रहेंगे वो बर्बाद हो जाएंगे इतने क्रेट इकट्ठा करने में। तो शायद ही मैं इस बार रॉयल एडवेंचर खेलूँ, मैं आरबी चॉइस क्रेट के ही फेवर में जाऊँगा। आप लोग मेरे को बताओ, आप लोग क्या करोगे, एडवेंचर या फिर आरबी चॉइस क्रेट? वेल, अब मैंने आपको सारे रिवॉर्ड यहाँ पर दिखा तो दिए ही हैं तो आरपी खरीद भी लेता हूँ और उसके साथ साथ आपको बता देता हूँ मैं गिववे के बारे में भी। तो फटफट से मैं आरपी अनलॉक कर रहा हूँ और तब तक आपको गिववे के बारे में बताता हूँ। अब करना तो मैं हर 10 आरपी को गिववे चाह रहा था बट भाई अभी तक कोई भी ऐसा डायरेक्ट मेथड नहीं है जिससे मैं आरपी सीधा आपके अकाउंट भेज दूँ। तो भाई पिछली बार मैंने भाई 8 बंदों को गिववे दिया था, बहुत दिक्कत हुई थी एक एक को इंस्टाग्राम पर ढूंढने में, मैसेज करने में, लेकिन मैंने सबको उनका आरपी दे दिया था पिछले सीजन भी, इस सीजन भी दूंगा, लेकिन क्योंकि कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है तो आरपी गिववे थोड़े से कम रहने वाले हैं लेकिन मिलेंगे जरूर आपको। और जैसे ही कोई डायरेक्ट मेथड आ जाता है आरपी गिववे करने का तो मैं क्या पता और आरपी गिववे कर दूँ। फिलहाल मैं 4 लकी विनर्स को आरपी देने वाला हूँ और आरपी के लिए आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं है, बस इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को शेयर कर लेना है, फिर कमेंट सेक्शन में आके अपनी BGMI की जो आईडी है और इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो दोनों लिख के आपको कमेंट कर देना है, आप गिववे में पार्टिसिपेट कर लोगे। जो लकी विनर्स होंगे उनको मैं कल अनाउंस कर दूंगा और उनके उनके प्राइजेस मिल जाएंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन की कोई भी बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई, हुआ क्या कि मेरे को आरपी मैक्स करनी थी तो मैंने फटाफट से 3 बंडल खरीद लिया, 3 पैक खरीद लिया बिकॉज ये सफिशिएंट होते हैं मोर देन, तो मैंने आके इनको खरीद लिया। उसके बाद जो मेरे पास मिशन कार्ड्स थे उनसे मैंने मिशंस कंप्लीट कर लिए, मैंने सोचा कि बस अब 7 ही लेवल्स तो बढ़ाने हैं, आराम से मैक्स हो जाएगा। फिर मेरे को पता चला यार कि जब तक मेरे पैक्स पूरे नहीं होते तब तक इधर मेरी लेवल्स नहीं बढ़ेंगे। भाई यार ये रूल कब आया भाई, पिछली बार तो नहीं था, पता नहीं जो भी हो मैं गंदा फंस गया इस बार। तो यार मैंने तो सोचा था कि बढ़िया 50 आरपी वाले कपड़े से जो है अभी एक गेम प्ले बना के वीडियो में लगाऊंगा, बट यार अभी आई थिंक मेरे को आज एक दिन का तो टाइम लगेगा ये कॉस्ट्यूम अनलॉक करने में। तो देखते हैं कॉस्ट्यूम के साथ खेल के एक गेम प्ले अगर शाम तक अगर मैंने डाला तो तुम लोग मेरे को बताओ गेम प्ले चाहिए क्या इस कॉस्ट्यूम में तुम लोगों को। वैसे इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि ये आरपी तुम तभी खरीदना जब तुमको 50 आरपी वाला कॉस्ट्यूम पसंद आ रहा हो और ग्रेनेड की तुमको स्किन चाहिए हो जिससे तुम्हारा किल मैसेज हो, क्योंकि ये ग्रेनेड की स्किन सबके पास होने वाली है तो किल मैसेज का भी कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मेन जो डिफरेंस मेकर है वो आपका 50 आरपी वाला कॉस्ट्यूम ही है। अगर वो कॉस्ट्यूम आपको पसंद है तब आप इस आरपी खरीदो, अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी।